हाँ तो भाई लोग, आप लोगों को सबसे पहले तो जय श्री राम। और अगर मैं बात करूँ अभी के टाइम पे, एक ना टीजर आया है जिसके बारे में ना बात करेंगे। अगर देखा जाए तो रोहित शेट्टी ने अपनी जो कॉप यूनिवर्स है उसकी शुरुआत करी थी सिंघम मूवी के साथ। और सिंघम जो सीरीज है, अभी तक उसकी जितनी भी मूवी आई हैं सारी की सारी ब्लॉकबस्टर मूवी रही हैं, सभी ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। आज से कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में बताया था आप लोगों को कि एक ना वेब सीरीज आने वाली है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म क्या होगा उसकी कुछ कन्फर्मेशन थी नहीं, तो मैंने उसके बारे में कुछ बताया नहीं। लेकिन फाइनली अमेजन प्राइम पर एक ना वेब सीरीज आएगी जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स, और उसमें हमको देखने के मिलेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबेरॉय, शिल्पा शेट्टी, और डायरेक्टेड बाई रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी हैं तो भैया उनकी जो ये वेब सीरीज है इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है आसानी के साथ। और अगर देखा जाए तो ये जो वेब सीरीज है ये कनेक्ट होने वाली है आने वाले टाइम पर सिंघम अगेन जो मूवी है, हो सकता है मे बी दीपिका को इसके अंदर लास्ट में उसका एक तरह से कैमियो वगैरह दिखा दे, जिससे कि ऑडियंस को भी आसानी से समझ आ जाए सिंघम अगेन वाला फंडा। प्लस में क्योंकि इन्होंने जो सिंघम अगेन मूवी आने वाली है उसके अंदर इन्होंने टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण को घुसेड़ दिया है, क्योंकि पहले से तो और चलते आ रहे थे जैसे सूर्यवंशी में अक्षय हो गए, सिम्बा में रणवीर सिंह, उसके बाद में करीना कपूर, अजय देवगन, तो ये जो मोटा मोटी चीज़ें चलती आ रही थी। लेकिन अभी जो जो वेब सीरीज आई है इसमें हमको हो सकता है देखने को आने वाले टाइम पर दीपिका पादुकोण का कैमियो देखने को मिल जाए। अगर हम यहाँ पर बात करें वेब सीरीज का जो ये टीजर है कितने मिनट का है, तो भैया 1 मिनट कुछ सेकंड के आसपास का ये टीजर है। और टीजर स्टार्ट होता है सीरियल बम ब्लास्ट के साथ, उसके बाद में ख़त्म भी ऐसे ही हो जाता है। अगर यहाँ पर बात करें टीजर की जो लेंथ है टोटली, अगर आप टेक्स्ट वगैरह काट देते हो तो 40 सेकंड के आसपास का आपको वीडियो फुटेज ना देखने को मिलता है। आज से कुछ दिन पहले रोहित शेट्टी का एक ना वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो शूट कर रहे थे सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, वन टेक शॉट ले रहे थे, उनके हाथ में कैमरा था। तो वो वाला वीडियो भी मैंने आपको बताया था क्या क्या होने वाला है। इस जो वेब सीरीज है इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मेरे को थोड़ा बहुत पता लगा था, ये जो वेब सीरीज है जिस टाइम शूट हो रही थी उसी टाइम पे मेरे को आइडिया लग गया था कि भैया ये दिल्ली में शूट हो रही है, और ये जो वेब सीरीज है ये ना दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली से कनेक्टेड होगी। और कुछ जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह है उसका जो सीन है वो दिखाया जाएगा। अब इसमें हो सकता है किसी और जगह को भी इन्वॉल्व कर लें, लेकिन 80% जो चांस है वो दिल्ली के हैं, पूरी स्टोरी जो है दिल्ली की ही रहने वाली है। अगर यहाँ पर बात करें विवेक ओबेरॉय के बारे में, तो विवेक ओबेरॉय इस बार कुछ ना मतलब एक सीरियस रोल में नज़र आ रहे, तो उनका जो जब जब सीरियस रोल उन्होंने किया है तो थोड़ा मतलब हमको मज़ा आया देखने में, वेब सीरीज हो या फिर मूवी हो कुछ भी हो। अगर यहाँ पर बात करें डायरेक्शन की या फिर VFX लेवल की, तो डायरेक्शन पे तो कोई सवाल उठाने का मतलब मौका ही नहीं है। अगर उसके बाद में हम बात करें VFX लेवल की, तो कुछ जो VFX लेवल है हमको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, तो भैया रोहित शेट्टी है तो गाड़ियाँ तो उड़ेंगी ही। उसके बाद में टीजर मतलब कमाल है। मूवी जो वेब सीरीज है अमेजन प्राइम पर आएगी और ये जनवरी में रिलीज होने वाली है, तो देखते हैं क्या छाप छोड़ती है ऑडियंस के दिमाग पर, दिल पर। और अभी जो है एक मतलब ये बात ऐसे भी मोटा मोटी पता लगी है कि ये ना 7 पार्ट होंगे, मतलब ये जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सीजन इसके शायद 7 होने वाले हैं। तो देखते हैं कि 7 तक खींच पाते हैं या नहीं खींच पाते। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो ओब्वियसली 7, 8, 10 क्या 12, 15 तक भी लेके जा सकते हैं, रोहित शेट्टी की कैपेसिटी वो है। तो अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।